बिट मैप में। जैसे बिट मैप में आप ऐसे क्लिक करेंगे तो तुरंत बता देगा कि ये कॉइल से करंट निकला, कॉइल से होने के बाद ये सीपीयू पे जा रहा है, तो आप दूसरी आईसीयू को नहीं टच करेंगे, या तो उसके लाइन में कंपोनेंट खराब होंगे, या तो आईसी खराब है, या तो सीपीयू शॉर्ट है। तो सबसे पहले अगर मान लिया बीच में कॉइल लगी तो तुमने कॉइल को हटा दिया, तो कॉइल का एक हिस्सा तो पावर आईसी की तरफ है और दूसरा हिस्सा सीपीयू की तरफ चला जाएगा। तो अगर पावर आईसी की तरफ बीप आ रही है तो पावर आईसी में ही शॉर्टिंग है, अगर दूसरी तरफ बीप आ रही है तो समझ जाएंगे फिर सीपीयू में शॉर्टिंग है। ये बिट मैप से हमको शॉर्टिंग निकालने में मदद मिलती है। अब यहां पर बात आ जाती है कि जैसे मान लिया हार्डवेयर में देखा कि ये डिटेक्शन लाइन नहीं काम कर रही, ये लाइन नहीं काम कर रही, वो लाइन नहीं काम कर रही, हमको और डिटेल में चाहिए, या मान लिया कोई कंपोनेंट खराब हो गया, उस कंपोनेंट की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो जब वैल्यू नहीं मिल पा रही तो उस वैल्यू के लिए फिर आप सिमेट्रिक खोलेंगे। क्या खोलेंगे? सिमेट्रिक खोलेंगे। इस सिमेट्रिक में क्या रहता है कि सारे ट्रैक दिए होते हैं। अब तुमको मान लिया चार्जिंग का ट्रैक देखना है, तो चार्जिंग का ट्रैक देखने के लिए दो हिस्सों में खोलता है। एक हिस्सा होता है इसका लेआउट और दूसरा हिस्सा होता है सिमेट्रिक। लेआउट से तुमको यह पता चलता है कि तुम क्या चेक करने जा रहे हो। जैसे मदरबोर्ड खुल गया, मान लिया तुमको हैंड फ्री चेक करना है, तो तुमने हैंड फ्री का नंबर कॉपी कर लिया, उस हैंड फ्री नंबर को जैसे इसमें पेस्ट किया तो पेस्ट करते ही फट से वो हैंड फ्री खोल देगा, लाइन खोल देगा। अगर तुम ऐसे पूरे सर्किट में हैंड फ्री खोलोगे तो कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें 60-70 पन्ने पलटते रहो ऊपर नीचे। और इसमें क्या रहता है, तुरंत एक ही जगह दिया होता है, सर्च करके तुरंत सर्च करते हैं, इसलिए करते हैं। जैसे आप देखते हैं जब सर आपको बताते हैं तो किसी चीज को सर्च करते हैं, तो सर्च करने का मतलब इसलिए होता है कि ढूंढना। अब वो ढूंढते क्यों है क्योंकि उनको पता है कि हम 70-80 पन्ने में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहां से कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देते हैं। ना कॉपी करो तो उसका नंबर पढ़ लो, J525, वहां जाकर J525 लिख दो। अगर आप कॉपी नहीं कर पाते फिर सर्च करोगे तब भी खोल देगा। तो इससे क्या रहता है कि हमको उसके बारे में हिंट मिल जाता है, तो वो लाइन इसलिए हम लोग लेआउट में रीड कर लेते हैं। अच्छा, जो तुम्हारा जो ये दिया हुआ है हार्डवेयर, और चौथा ऑप्शन दिया जिसमें हार्डवेयर और बिट मैप दोनों एक साथ आता है, इसमें पूरा प्लेन बोर्ड खुलता है। कैसा खुलता है? प्लेन बोर्ड खुलता है। उस प्लेन बोर्ड जो होता है वो खाली होता है। उस बोर्ड में जैसे ही आपका कोई लाइन होता है उस लाइन पे क्लिक करते हैं तो बता देता है कि करंट यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। अब बिट मैप में क्या होता है, डॉट बने होते हैं, तो डॉट से लाइन बताता है, इसमें पूरा कलर फॉर्म में बता देता है। तो ये तुम्हारा बिट मैप से भी एक अच्छा फीचर दे दिया है, मतलब बिट मैप को ही अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसी चीज को चलो हम लोग अपने सिमेट्रिक में रीड करेंगे। ठीक, जितना मैंने आपको समझाया है इसी तरीके से सिमेट्रिक को हम लोग रीड करते हैं। तो सिमेट्रिक में समझ में आया, हार्डवेयर में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मोटा मोटा जो ट्रैक होता है उसको देखते हैं। बिट मैप में क्या देखते हैं कि कोई भी सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग होती है उसको देखते हैं। उसके बाद जो सिमेट्रिक होता है उसमें कंपोनेंट की जानकारी, रजिस्टर के बारे में डिटेल, वो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे डिवाइडेड सर्किट बन रहा है, ये सारी चीजों के बारे में सिमेट्रिक में देखते हैं। ये जो तुम्हारा चौथा हार्डवेयर होता है, इस हार्डवेयर में हम लोग क्या देखते हैं, हार्डवेयर के अंदर कौन सी लाइन कैसे कनेक्टेड है, बिल्कुल कलर फॉर्म में दिखाता है, बिट मैप में कलर फॉर्म में नहीं दिखाता, सिर्फ ब्लॉकेड डॉटेड दिखाता है। अब हम लोग इसी को अपने सिमेट्रिक में रीड करेंगे। सिमेट्रिक में रीड करने के लिए चलो हम लोग अपने सिस्टम पे चलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक को ओपन करेंगे। तुम्हारा मैं नेटवर्क भी इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है, आपका नेटवर्क हो भी जाएगा। लॉगिन किया। अब मान लिया हमारे पास एक मोबाइल फोन आ गया ठीक होने के लिए, जिस मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? टावर नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहे, चार्जिंग नहीं हो रही, कुछ भी समस्या आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मदरबोर्ड में इसमें देखेंगे। टावर नहीं आ रहा है तो इसको लेकर चेक करने के लिए आपको पहले यहाँ पर कंटेंट में क्लिक करना पड़ेगा। क्या खुलेगा? हार्डवेयर, बिट मैप, सिमेट्रिक। अभी हमने इसमें क्लिक किया, ये देखिए ये हार्डवेयर है, ये सिमेट्रिक है,
तो हम लोगों ने हार्डवेयर में क्लिक किया, प्लस में क्लिक करोगे, जैसे आप प्लस में क्लिक करोगे तो प्लस में क्लिक करते ही आप क्लिक करिएगा बता दें, जैसे आप प्लस में क्लिक करेंगे तो उसके बाद हार्डवेयर है, बिट मैप है, डायोड है, थर्मिस्टर है, और नीचे माउस करिए जरा, सिमेटिक ये खुल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हार्डवेयर में क्लिक करेंगे, प्लस में क्लिक करिए, जैसे हार्डवेयर में क्लिक करेंगे तो देखो जितने भी सारे मोबाइल फोन है, सारे मोबाइल फोन के बारे में इसमें क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नीचे आएंगे, आप सैमसंग के मोबाइल फोन में क्लिक करिए, मान लिया सैमसंग का मोबाइल फोन आ गया, सैमसंग के मान लिया मेरे पास ए सीरीज का फोन चला, ए सीरीज के फोन अच्छे चल रहे हैं, आप ए पे क्लिक करिए, हाँ ए सीरीज नई सीरीज है, मान लिया हमारे पास सैमसंग का मोबाइल फोन आ गया, ए टेन मोबाइल फोन आ गया, तो आप ए टेन पे क्लिक करें, ए टेन के अंदर मान लिया आपके पास कोई फोन आ गया, उस मोबाइल फोन में लाइन चेक करना है, मान लिया आपको चार्जिंग का लाइन चेक करना है, किसका लाइन चेक करना है, चार्जिंग का लाइन चेक करना है। अब रुकिए, अभी क्लिक मत करिएगा, पहले समझ लीजिए, देखिए इसके अंदर मोटा मोटा लाइन दिया है, बैक कैमरा, चार्जर, कंपोनेंट का नाम, डायोड, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, इनपुट आउटपुट, एलसीडी, एलसीडी लाइट, माइक स्पीकर, रिंगर, ऑन ऑफ, सिम कार्ड पीडीएफ, टच स्क्रीन और वाईफाई। अब मान लिया हमारे पास फोन आता है चार्जिंग का, तो चार्जिंग डाटा पर क्लिक करिए, जैसे चार्जिंग डाटा में क्लिक करेंगे तो चार्जिंग डाटा का ऐसा फोटो खुल जाएगा, ये वो फोटो खुल गया। इसी तरीके से फोटो हमको गूगल्स में इमेजेस शो होती हैं। अब चार्जिंग डाटा में ये इमेज खोलने का मतलब क्या होता है, ये लाइन चल रहा है, इसको आप क्या करिए, पहले प्लस करिए, थोड़ा सा जूम करिए और जूम करिए, इसको उठा ले जाइए और ऊपर ले जाइए और थोड़ा ऊपर ले जाइए, हाँ बस ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया। इस स्क्रीन पे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लाइन का डिटेल लिखा हुआ है, हाँ ये बता रहा है उसी कलर का लाइन है, जैसे यहाँ पर लिखा वी बस इन, इसका चार्जिंग डाटा खोलिए, देखो इधर, इधर जाओ, बड़ा करो और बड़ा करो, हाँ ठीक है, जाओ चार्जिंग का लाइन दिखाओ जरा, सब लोग देखो इधर, ये चार्जिंग का यूआई पत्ते पे सप्लाई आएगा, यूआई पत्ते सप्लाई होते हुए कहाँ पर जाएगा, डायोड पे जाएगा, डायोड कैपेसिटर सही लगा, ओवीपी, ओवीपी भी सप्लाई होते हुए कहाँ चला जाएगा, चार्जिंग आईसी के अंदर। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, मदरबोर्ड में देखेंगे, क्या देखेंगे, मदरबोर्ड में देखेंगे। इसका सब लोग क्या करिए, फोटो कैप्चर करिए, इसको और थोड़ा बड़ा करिए, और बड़ा करो थोड़ा, हाँ और लेके आओ सेंटर पे, लेके आओ इसका फोटो कैप्चर करो, फोटो कैप्चर मारो पूरा डायोड का, ऐसे ही फोटो कैप्चर करके आप अपने मोबाइल फोन में रख लिया करो, उसके वॉलपेपर लगाओ, लाइनें देखो, सप्लाई समझो, एक फोटो खींच के अच्छा तो ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सबके पास आ जाए। अब ये फोटो ले लिया सब लोगों ने, अब हम क्या करते हैं, मेन मदरबोर्ड में चलते हैं, किसमें चलते हैं, मेन मदरबोर्ड में चलते हैं, मेन मदरबोर्ड के लिए हमने क्या किया, इसको स्क्रीन हटाया, रख दिया मदरबोर्ड, ये वही मदरबोर्ड है जो आप लोगों ने अभी फोटो कैप्चर किया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इसमें चार्जिंग की जो सप्लाई आएगी वो क्या आएगी, 5 वोल्ट सप्लाई आएगी, क्या आएगी, 5 वोल्ट सप्लाई आएगी, 5 वोल्ट सप्लाई कहां पर आएगी, इन पॉइंटों पे आएगी, ये यूआई बता दिया हुआ है, यहां पर आएगी, कितना आएगा, 5 वोल्ट, यहां से होता है डायोड पे जाएगा, डायोड के बाद सप्लाई जाती है ओवीपी आईसी पे, इसमें ओवीपी आईसी कहां लगी है, ये लगा ना, तो ये सप्लाई कहां पर जाएगी, फोटो खोलो, ये यहां पर नहीं गई, ये आईसी जाली के अंदर लगी है, इसके अंदर है सर्किट, कहां पर है, जाली के अंदर सर्किट है, फोटो देखो जरा, ये कहां पर है, जाली के अंदर है, आप किसी पर कटर है, लाइए
अब देखिए ये सेम वही कंडीशन, हमारे पास फोन बने हैं, हमको चेक कैसे करना है, चार्जिंग की जो सप्लाई आएगी वो कहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर आएगी, यहाँ से होते डायोड पर जाएगी, डायोड के बाद ये तुम्हारी ओवीपी लगी है, ओवीपी सप्लाई आगे निकलेगी या आगे पास करेगी, आगे पास करने के बाद सप्लाई कहाँ जाएगी, ये कॉइल लगी ना, जाएगी करंट के अंदर। अब चार्जिंग आईसी क्या करेगी, अपने अंदर से दो लाइनें निकालेगी, क्या लाइनें निकालेगी, दो लाइनें, पहले यहां से लाइन निकालेगी, यहां से लाइन निकालेगी, कॉइल के माध्यम से निकालेगी, इसको बोलते हैं वीपीएच लाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन कौन सी निकली, वी बैट, ये वी बैट यहां से निकली, यहां से निकलने के बाद ये लाइन तुम्हारी एलवीआर पे गई, एलवीआर से होते हुए बैटरी कनेक्टर प्लस पे गई, और ये बैटरी कनेक्टर का ये हिस्सा माइनस है, खुला कि नहीं खुला। आप देखिए ये बिल्कुल सेम वही प्लेट है, ये वही मैंने बोर्नियो में देखा। तो इसमें क्या रहता है, अगर हमारे पास जैसे हम लोग अनजान आदमी हैं और हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आ जाएगा, उसका चार्जिंग लाइन कहाँ कहाँ गया है वो हमको देखने में ढूंढने में बड़ा तकलीफ होगा। लेकिन अब हमने एक बार इसमें फोटो खोल के देख लिया, तो फोटो खोल के देखने पर वो चार्जिंग लाइन हमारे दिमाग के अंदर घुस गया। दूसरी बात क्या, हमको मदरबोर्ड भी समझ में आ गया, जैसे ही तुम 100-150 का मोबाइल फोन का सर्किट देख लोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। अब आप इस मदरबोर्ड को देखिए जरा, अब आपके हाथ में वही मदरबोर्ड है जो आपने सिमेटिक से देखा हुआ, देखो सामने जो देख रहे हो उसी सामने में से लाइनों से आप अगर देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है और कहाँ कहाँ से होते हुए कैसे कैसे जा रहा है। हाँ इधर जा रहा है। अगर कल को तुम्हारे मोबाइल फोन में ओवीपी खराब हो जाएगी तो चार्जिंग नहीं होगी, कॉइल खराब हो जाएगी तब भी चार्जिंग नहीं होगी, तो इस कॉइल को हटा के हम लोग जम्पर मार देंगे चार्जिंग हो जाएगी, क्योंकि कॉइल हमारा सीरीज पोजिशन में लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो इससे आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। लेकिन ये चेक करने से पहले ये दिमाग अपने दिमाग में बुद्धि के अंदर घुसेड़ लीजिए कि जो हमने आपको चार्जिंग के जो बेसिक ट्रैक पढ़ाए हुए हैं, जो चार्जिंग का, स्पीकर, रिंगर, माइक का, कीपैड का, सिम का, डिस्प्ले का, वो कोई हम अपने घर से नहीं पढ़ाए हैं, ना हमारे घर का है वो सब इसी सिमेटिक का ही है, क्योंकि इसी सिमेटिक में से जब हम 100-200 हजारों मोबाइल फोन रीड करे पड़े हैं और उसका तरीका ऐसा ऐसा होता है, तो वही कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। हमारा कोशिश यही है कि ऐसा नहीं रहता कि एक मोबाइल फोन का कॉन्सेप्ट समझाए, हमारा ऐसा तरीका रहता है जो 100 मोबाइल फोन में मैच करे वो कॉन्सेप्ट समझाए, ताकि आप 100 के मोबाइल फोन में उस चीज को क्या करें, देखें जाकर के। तो इससे आपको क्या करेगा, चेक करने में बड़ा मदद मिलेगा। तो ये समझ में आया, इसको कोई रट्टा मारने वाला काम नहीं है, इसको देखिए और इसका रीड करने का तरीका समझिए, और रीड करने का तरीका उस कॉपी में जो मैंने आपको अलग अलग सर्किट पढ़ा रखे हैं वो दिमाग के अंदर पहले सेट करिए, तब ये समझ में आएगा, ठीक। अब इसी तरीके से ये तो मैंने सैमसंग का तुमको एक एग्जांपल करके दिखाया क्योंकि मेरे पास बोर्ड था। अब आपके पास कोई भी दूसरा फोन आ जाए दुनिया जान का, जैसे मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल फोन आ गया, तो मेरे पास जी टू का मोबाइल फोन में अगर देखना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से ये भी बताएगा, सेम इसी तरीके से ये भी बताएगा। फिर उसके बाद उस सर्किट में क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है इसी तरीके से, ये तो सैमसंग मोबाइल फोन का है। कल को अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन आ जाता है रेडमी कंपनी का, कौन सा मोबाइल फोन आ जाता है, रेडमी कंपनी का या वीवो कंपनी का, तो उसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट कि पहले यूआई पे सप्लाई आएगी।